17 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के बाद बागी 3 की कमाई में सोमवार को गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन होली वाले दिन फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। लेकिन होली के बाद फिल्म का क्या हाल है ये मैं आपको बताऊंगी। बागी 3 ने बुधवार को 8.03 करोड़ का कलेक्शन किया है। वही बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो बागी 3 ने 84.97 करोड़ का कारोबार कर लिया है। बागी 3 ने पहले दिन 17.50 के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 16.03 की कमाई की, वहीं तीसरे दिन 20.30, तो चौथे दिन फिल्म ने 9.06 करोड़ का कलेक्शन किया था। पांचवे दिन फिल्म को होली का फायदा मिला और फिल्म ने मंगलवार को 14.05 की कमाई की। फिल्म की कमाई को देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही बागी 3 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने वाली है। एक्शन और स्टंट से सजी फिल्म बागी 3 को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड थे। बागी 3 में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी दो भाई रॉनी और विक्रम की है। विक्रम की हर मुसीबत में उसका छोटा भाई रॉनी उसकी मदद करता है। विक्रम पुलिस में होता है और किसी वजह से उसे सीरिया जाना पड़ता है, जहां उसे आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही रॉनी सीरिया निकल पड़ता है दुश्मनों से लड़ने। इसके बाद आपको फिल्म में भरपूर एक्शन और स्टंट देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि बागी 3 को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। वहीं इस शुक्रवार इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, तो यह देखना जरूर बनता है कि बागी 3 पर अंग्रेजी मीडियम के रिलीज होने के बाद क्या असर पड़ता है।